बीसीसीआई ने कर दिया भारतीय टीम के एशिया कप स्क्वाड का ऐलान। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आगे कि एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा और एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड कैसा है और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है एशिया कप 2023 खेलने के लिए। चलिए जानते हैं भारतीय टीम का स्क्वाड यानी कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम की कप्तानगी रोहित शर्मा करेंगे, जबकि उप कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। जबकि हार्दिक के अलावा विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी एशिया कप 2023 खेलने के लिए तैयार होंगे। यानी कि स्क्वाड में इन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। अभी अंतिम मोहर लगाना बीसीसीआई की बाकी है। अभी स्क्वाड को पूरा अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इस स्क्वाड के साथ भारतीय टीम एशिया कप 2023 खेल सकती है। यानी कि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि एशिया कप 2023 इसी स्क्वाड के साथ भारतीय टीम खेलने वाली है, क्योंकि एशिया कप 2023 50 ओवर के फॉर्मेट के बेस पर ही खेला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।